हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा सातवीं का हमारा पर्यावरण अध्याय पहला भाग एक, और पर्यावरण अध्याय को हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं, चर्चा करेंगे पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार कैसा है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, और विकास की प्रक्रिया पर आधारित पर्यावरण क्या होते हैं। तो इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम लेसन का नाम ही पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है और इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये देखना महत्वपूर्ण होता है। तो यह पर्यावरण जो शब्द है, यह एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट इस शब्द से बनी हुई है, और यह शब्द फ्रेंच शब्द एनवायरनेर या एनवायरनेर इस शब्द से निकला हुआ है, और उसका अर्थ होता है पड़ोस। पड़ोस का मतलब हमारे आजूबाजू, हमारे आसपास। तो एनवायरनमेंट का शब्द का अर्थ हो गया है पड़ोस। तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आजूबाजू जो कुछ भी चीज़ें होती है, वो सभी चीज़ें इस एनवायरनमेंट में सम्मिलित होती है। अगला मुद्दा है, हम देखते हैं कि पर्यावरण की व्याख्या या पर्यावरण का अर्थ क्या हो सकता है। तो पर्यावरण की एक सिंपल सी व्याख्या की गई है, जैसे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले, तो एक प्राणी है और इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी चीज़ें होते हैं, जैसे लोग हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं एवं प्रकृति है, इन सभी को हम पर्यावरण कहेंगे। तो ध्यान में रखें, सिंपल सी व्याख्या है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहेंगे। और यह पर्यावरण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों घटक होते हैं। यह पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों घटकों का मिश्रण होता है, दोनों घटनाओं का एक सम्मिश्रण होता है। और प्राकृतिक पर्यावरण की जब हम बात करते हैं, तो पृथ्वी पर जितनी भी जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है, और यह जीवीय लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों प्रकार की चीजें इस प्राकृतिक में आ गई। प्राकृतिक पर्यावरण किसको कहेंगे, जो पहले से ही मौजूद है, जिसको बनाने में किसी की मदद नहीं या किसी की सहायता नहीं लगी है, वो अपने आप ही यहाँ बन चुके हैं, इसीलिए हम उसको बोलेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। और फिर वो प्राकृतिक पर्यावरण जीवीय भी हो सकते हैं। जीवीय में क्या क्या आते हैं, जब सजीव चीजें आ जाती है, और अजीवीय में जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, भूमि होती है, ये चीजें यहां इसमें सम्मिलित हो जाती है। और तीसरा प्रकार है मानवीय पर्यावरण। इसमें मानव की परस्पर क्रियाएं होती है, एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, एक दूसरे के साथ कुछ आदान प्रदान करना, उनकी गतिविधियां होती है, उनकी मूवमेंट, उनकी हलचल होती है, और उनके द्वारा बनाई गई रचना, जैसे मतलब रोड हो सकते हैं, इमारतें हो सकती है, तालाब हो सकते हैं, घर हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें आ गई है। तो इस तरह से हम प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण की बात कर चुके हैं, और साथ साथ में हम पर्यावरण की व्याख्या भी कर चुके हैं। तो पर्यावरण की व्याख्या फिर से एक बार देखिए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को हम पर्यावरण कहेंगे। पर्यावरण का महत्व असाधारण है, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन का एक मूल आधार बन चुका है, और इसके बिना हम कोई चीज नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरे के पूरे पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण अच्छा है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमारी जिंदगी अच्छी है। तो इसको मूल आधार क्यों कहा जाता है, देखिए, पहली बात है कि हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, हवा लेते हैं, हवा छोड़ते हैं, तो हम उसको सांस लेते बोलते हैं।
तो और ये सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी पर्यावरण में ही मौजूद है। और सांस लेना मतलब जिंदगी जीना, हमारा जीवन इसी पर निर्भर होता है और इसीलिए ये चीज़ हमको पर्यावरण से ही मिलती है। दूसरी बात है, हमको पीने के लिए जल उपलब्ध होता है इसी पर्यावरण में, जैसे तालाब हो सकते हैं, नदियाँ हो सकती है, समुद्र हो सकते हैं, कोई भी अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है, ग्लेशियर हो सकते हैं, इन चीज़ों से हमको पानी मिलता है जो हमारे लिए पीने के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो बिना पानी से तो हम नहीं रह सकते और इसीलिए पानी भी पर्यावरण से हमको प्राप्त होता है। तीसरी बात है, हमको स्वस्थ रखने के लिए, हमको जीने के लिए खाना भी ज़रूरी होता है। जो खाना खाने का जो उत्पादन होता है या कुछ जो फसलें होती है, ये भी पर्यावरण में अपने आसपास में ही होता है, तो इसीलिए खाने एवं भोजन की भी व्यवस्था हो जाती है। और साथ साथ में हमको सुरक्षित ठंडी गर्म वायु से बचाव के लिए, कोई भी प्राकृतिक डिजास्टर से बचाने के लिए हमारे पास खुद के घर हो सकते हैं या कोई शेल्टर हो सकता है, इसमें हम रहते हैं। और इसीलिए ये बनाने के लिए हमारे पास भूमि भी होती है और इसीलिए हम पर्यावरण हमारे जीवन का एक मूल आधार है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको पर्यावरण से मिलते हैं और इसीलिए हम बोलेंगे पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पर्यावरण के घटक क्या क्या हो सकते हैं। पर्यावरण के घटक मुख्यतः तीन प्रकार के हैं, एक है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है खुद मानव। अभी एक एक करके हम देखेंगे पर्यावरण के घटक कैसे होते हैं। देखिए, पहली बात करेंगे हम पर्यावरण के घटकों में, पहला है प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में देखिए तो जैवमंडल आ जाता है। तो जैवमंडल कहाँ का आता है तो उसके बाद में बात करेंगे। पहली बात करते हैं हम स्थलमंडल। तो जैसे हम भूमि पर रहते हैं, हम अपने घर बनाते हैं, हमारी खेती होती है, हमारे कुछ व्यवहार होते हैं, तो वो भूमि पर ही होते हैं, जिसको हम स्थल मंडल बोलेंगे। वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी के ऊपर का कुछ हिस्सा जो होता है वायुमंडल में आता है। तीसरी बात है जो हमारे आसपास कुछ जलाशय होते हैं जहाँ भारी मात्रा में पानी होता है और वही पानी हमारे हम जैसे सजीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये तीनों के बीच में सजीव मंडल भी होता है, जैसे मछली होती है, वनस्पति होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ये सभी चीज़ें इन तीनों में आचरण करते हुए अपने को दिखते हैं। और तो ये हो गए हैं प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। दूसरा है मानव निर्मित घटक। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब होता है जो पहले से ही मौजूद है, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप से बन चुके हैं। और दूसरी बात है कि जो मानव द्वारा बनाए गए हैं वो हो गए मानव निर्मित। तो इसमें क्या क्या आएंगे, इमारतें हम रहने के लिए घर बनाते हैं, पार्क आते हैं हम मनोरंजन के लिए बनाते हैं, पुल आते हैं हमारे यातायात को सहज बनाने के लिए कर लेते हैं, सड़कें होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे हमारे कुछ स्मारक होते हैं जहाँ हमारी कुछ श्रद्धा होती है तो इसका पालन करने के लिए, हमारा धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने के लिए जैसे हम स्मारक बनाते हैं। उद्योग होते हैं, तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ उत्पादन लेते हैं जैसे फैक्ट्रीज होती है। तो ये सभी चीज़ें मानव निर्मित हो गई है। तीसरा महत्वपूर्ण है मानव खुद एक पर्यावरण का घटक है और वो खुद एक पर्यावरण का घटक होने के कारण उसकी भी गणना एक पर्यावरण में ही होती है। जैसे एक व्यक्ति है, उसका परिवार है, उसका समुदाय है, उनका धर्म है, शैक्षिक परिस्थिति है, आर्थिक पर्यावरण है, राजनीतिक स्थिति है, ये सभी चीज़ें मानव के लिए उपयुक्त है, मानव द्वारा ही बनाया गया है और मानव ही उसका उपभोग करता है, मानव ही उसका पालन करता है और इसीलिए मानव भी खुद एक पर्यावरण का महत्वपूर्ण और अविभाज्य हिस्सा है। अगला मुद्दा है विकास की प्रक्रिया पर आधारित पर्यावरण। तो विकास जैसे हम करते हैं, प्रगति करते हैं, उसके आधार पर भी कुछ पर्यावरण होते हैं, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण, इसका भी विकास होता है, मानव निर्मित पर्यावरण, इसके द्वारा भी विकास हो जाता है। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें जैविक, अजैविक और जीवन स्थान आ जाते हैं। तो जैविक में क्या आते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं। अजैविक में क्या आएंगे, जैसे जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, इसमें अजैविक चीज़ें आ जाती है।
साथ साथ में जीवन स्थान भी होते हैं, जैसे मतलब भूमि है, जल है, और इसके कुछ रासायनिक तथा भौतिक गुण आते हैं। तो ये हो गए प्राकृतिक पर्यावरण के विकास की प्रक्रिया पर आधारित प्रकार। और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे कि हमने इसके पहले ही देख चुके हैं कि मानव निर्मित पर्यावरण में क्या क्या हिस्से आते हैं। रहने के लिए घर होते हैं, यातायात के लिए सड़कें होते हैं, शिक्षा सुविधा के लिए विद्यालय होते हैं, स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पताल होते हैं, यातायात के लिए रेलवे सुविधाएं होती है। तो ये सभी चीज़ें मानव द्वारा बनाई गई है और ये सभी चीज़ें अपने आप ही निर्माण हो गई है, जो पहले से ही मानव के हस्तक्षेप के बिना ही ये बन चुके हैं। और इसीलिए इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, और मानव निर्मित पर्यावरण मतलब ये मानव द्वारा बनाए गए और इसीलिए इसको हम बोलेंगे मानव निर्मित पर्यावरण। तो इतना हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में वहाँ दिए गए बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक करें, ताकि मैं जितने भी वीडियो बनाऊँगा उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।